चिका और ऐश पीछे बैठे हैं और अभी जा रहे हैं इन सुंदर सुंदर हसीन वादियों के बीच में गुरखा को चलाते हुए। ये बेड से हमें ये व्यू मिलने वाला है। लंच में इन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल हिमाचली खाना खिलाने वाले हैं। देखो कैसे जाते हैं लोग, हमें लगता है कि मतलब हम लोग वो स्टेपर्स वगैरह कर रहे हैं जिम में, तो हम बहुत कसरत कर रहे हैं, ये होती है असली कसरत। तो हम अभी जा रहे हैं एक नई जगह जिसका नाम है कैंप नोमैड फागू। तो हमने सोचा कि थोड़ा कैंपिंग एक्सपीरियंस भी ले लिया जाए, और फागू हमें बहुत 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 अच्छा लगा। तो जहाँ पे अभी हम रह रहे थे वहाँ से बस 15-20 मिनट ही दूर है, तो व्यूज तो शायद सिमिलर रहेंगे, बट टेंट में रहने का मज़ा एक अलग आएगा। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे, देखते हैं कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। चीका और ऐश पीछे बैठे हैं और अभी जा रहे हैं इन सुंदर सुंदर हसीन वादियों के बीच में गुरखा को चलाते हुए। राइट में आप देख सकते हैं इतने सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, और ये नेट इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ओले पड़ते हैं तो वो एप्पल्स को डैमेज ना करे। तो सीज़न टाइम, क्योंकि इनका जो हार्वेस्ट सीज़न टाइम है वो जुलाई अगस्त में होता है, तो अभी बारिश और ओले पड़ सकते हैं, तो इसीलिए ये नेट लगाए जाते हैं सब जगह। बट आप देखोगे तो दूर दूर तक बस एप्पल ऑर्चर्ड्स ही है। ये हम पहुंच गए कैंप नोमैड फागू। तो ये है कैंप की पीछे वाली जगह। तो हमें जो टेंट दिया गया है, इनके पास 5 टेंट्स है, तो हमें वो वाला लास्ट वाला टेंट दिया गया है। अंदर से भी दिखाती हूँ आपको कैसा है। और उधर से ये एरिया आता है जो एकदम ओपन एरिया है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज उन लोग ने कहा हमें कि जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं आसपास से, तो एकदम पैक बन के अगर आते हैं कोई तो थोड़ा ध्यान रखना है। अभी तो कोई है नहीं तो इसीलिए इनको छोड़ा गया है, पर शायद लंच पे या इवनिंग टाइम पे वगैरह हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट व्यू तो देखिए आप, मतलब पूरा 360 डिग्री व्यू है माउंटेन्स का, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इतना ओपन, एकदम बढ़िया, बहुत ही सुंदर जगह है। ये दोनों मस्त घूम रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पौधे वगैरह भी लगाए हैं, बट ये इनके नहीं है, किसी और के हैं। तो आ आ आ आ, दूर नहीं, दूर नहीं, चला इकड़े, चला, गुड जॉब, गुड गर्ल्स, चीका कम है, कम है, गुड गर्ल, गुड गर्ल्स, गुड गर्ल। I'm not afraid to die.
यहाँ पे ये लोग बहुत सारे आर्टिस्ट के वर्कशॉप्स लेते हैं, जैसे राइटर्स वर्कशॉप, पोएट्री वर्कशॉप और बहुत कुछ। तो ये एक कोई ऐसे ही आर्टिस्ट आया था, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, बहुत खूबसूरत है। और ये बैठने की जगह मुझे सबसे बेस्ट लगी। यहाँ से ये देखो व्यू, पता नहीं कैमरा इतना जस्टिस कर भी रहा है कि नहीं जितना खूबसूरत हम लोग को दिख रहा है यहाँ से। मतलब जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से हम थोड़ा और ऊपर आए तो ये एप्पल ऑर्चर्ड सारे, ये देखो ये वहाँ से नज़दीक से दिख रहे थे, अभी हम ऊपर से देख रहे हैं इनको। और मैं आपको टेंट भी दिखा देती हूँ। तो हमारा वाला जो टेंट है वो ये वाला है, ये वाला हमारा टेंट है। और यहाँ से देखो ये बेड से हमें ये व्यू मिलने वाला है। मस्त जगह है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो ओनर है वो भी एकदम 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 पेट लवर है, तो ऑब्वियसली टोटल 100% पेट फ्रेंडली जगह। तो ये टेंट दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे अंदर एंटर करते ही यहाँ पे आपको टॉवल्स वगैरह दिए कपड़े हैंग करने के लिए, और ये एक लाइट है, ड्रेसिंग टेबल भी दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ सामान रखना है तो ये बहुत खूबसूरत बनाया है, ऐसे ट्रे का टेबल बनाया है इन्होंने। और बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, और इसमें अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम भी बहुत नीट लग रहा है। बेस्ट पार्ट तो व्यूज़ जो है यहाँ के अल्टीमेट, ये देखो। और पूरी ओपन जगह है, मतलब कहीं भी आप घूम सकते हो, अपना चिल कर सकते हो, डॉग्स के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर हम लोग चिल करते हैं, और फिर लंच में इन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल हिमाचली खाना खिलाने वाले हैं, तो देखते क्या क्या है मेनू में। मस्त खाएंगे और सोएंगे, जो करने आए हैं हॉलीडे में। खाना पीना सोना आराम करना। और अभी हाँ, हमने ऊपर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे देखिए, हम लोग स्टोरीज़ और सब कुछ डालते ही रहते हैं। ये थक गए, अभी मस्त बैठे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कोई अंदर फैन वगैरह एसी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे बेड वार्मर दिया गया है, इस साइड भी आप देख सकते हैं और उस साइड भी बेड वार्मर दिया गया है। और ये जो मोटे मोटे ब्लैंकेट्स दिए गए, बिकॉज आई एम श्योर ये बहुत ऊपर है तो यहाँ पे रात को बहुत ठंड होती होगी। और अभी भी जैसे 1 बज रहा है लेकिन हमें बिल्कुल यहाँ पे गर्म नहीं लग रहा है। हमने ये वाली खिड़की खोल दी है, ये सामने खुला रखा है और ये भी खोल दिया है, तो वेंटिलेशन मस्त आ रहा है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है हम लोग को, प्लेजेंट लग रहा है इनफैक्ट। तो रात को तो बहुत ठंड होगी और मज़ा आएगा यहाँ पे। एक और डिश होगा कुछ और है? तो ये आ गया हमारा खाना, और यहाँ चिकाश बैठे है। तो ये इनका डाइनिंग एरिया है, और यहाँ से हम एंटर किए थे, ऊपर हमारे टेंट है। तो यहाँ ये कॉमन एरिया टाइप है, यहाँ पे वाईफाई आता है। सो गए अभी यहाँ पे। क्या क्या है आप, यू ओनली टेल मी। ये मदरा में मदरा राजमा जिसमें पानी का यूज नहीं होता, ओनली घी। हाँ अच्छा, ओके। ये दाल है माशगी। माशगी हाँ जी, ब्लैक दाल। अच्छा ओके। और ये कड़ी है। कड़ी ओके। और ये खट्टा है, मतलब किससे बनता इसे है? इमली वगैरह, नारियल डालना है इसमें, चुहारा डालना है। हाँ जी। और ये मोटी सेमियां होती, मोटी सेवैया, सेमियां। हाँ, हाँ, अच्छा। और ये मीठे चावल है। मीठे चावल जी मैं। तो ये शुगर चीनी और चीनी हाँ जी, चीनी इसमें, नारियल जाएगा, चुहारा जाएगा, मगज जाएगा आपके। अच्छा ओके। तो ये लोकल खाते है? हाँ जी। अरे वाह सही। तो हमारा फीस्ट तैयार है चंबा से। चंबा, चंबा की ओके। इसको दाम बोलते हैं हम। अच्छा ओके। तो आप बनाते हैं? हाँ जी मैं। ओके, तो हमारा फीस्ट रेडी है, अभी खाते हैं बस। खाना अल्टीमेट है, और जैसे अमित यहाँ के ओनर है उन्होंने हमें बताया कि ये चंबा का धाम है, जो भी हमें आज सर्व किया गया है वो चंबा का धाम है। तो वहाँ पे जैसे फंक्शंस में, मैरिजेस में या कोई रिलीजियस फंक्शंस होंगे
तो वहाँ पे ये सब बनाया जाता है। और ये जो कुक है यहाँ के वो चंबा के ही है, तो इसीलिए हमें आज ये सब किया गया है। और अल्टीमेट ये राजमा, तो मतलब जैसे इसमें कोई प्याज टमाटर कुछ भी नहीं बनता, वो बोले कि घी से ही उसका ग्रेवी बनता है और वो इतना ज़्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज यम्मी, सुपर यम्मी। तो ये एक और डिश आ गई है, सिद्धू जिसे बोलते हैं, ये लोकल हिमाचली डिश है अगेन, ये घी के साथ खाया जाता है। और इसमें जो फिलिंग है, अलग अलग तरह की फिलिंग्स होती है, तो ये वाली जो फिलिंग है वो पॉपी सीड्स की है। ये भी टेस्ट करके देखते हैं, एकदम गरम गरम लग रहा है अभी, तो ये ख़त्म करते हैं फिर ये खाते हैं। बहुत सारा खाना इन्होंने बनाया, फुल फीस्ट। चलेगा जी। तो ये खड़ी है अपनी गुरखा और वहाँ पे अपने टेंट्स हैं। हम जा रहे हैं एक छोटा सा ट्रैक करने, जंगल ट्रैक टाइप है, तो चीका ऐश का भी वॉक हो जाएगा और हम लोग का भी थोड़ा वॉक हो जाएगा, बिकॉज आफ्टरनून में हमने बहुत खाया तो अभी थोड़ा सा वॉक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और अच्छे अच्छे व्यूज़ भी देखेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स निकालेंगे और फिर आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ तो ये कपिल ना, कपिल जी हमें लेके जा रहे हैं और हम चलते हैं अभी, देखते हैं खूबसूरत नज़ारे फागू के। जैसे हमारे यहाँ पर खेत की उगती है, यहाँ पर उगती है हमारी गोभी वगैरह। गोभी उगती है यहाँ? अच्छा। ये सारे चेरी के पेड़ है, कभी लगती है बोले? कभी लगता? दिसंबर में लगती है ये। कोई डॉग होगा तो बताइए। हाँ तुला दी गोट आवडली? चीटू गोटला बघत आहे। ये जंगली फूल है क्या? अच्छा, खुद ही उगते हैं? तो ये एप्पल ट्रीज के बाजू में उगता है ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मतलब नहीं। उनको वो क्या पॉलिनेशन मिलने के लिए, ऐसा नहीं है? अभी हमने टर्न ले लिया यहाँ से और अभी हम जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। देख सकते हैं दोनों साइड इतने खूबसूरत फूल। ये है देवदार के पेड़ ना? हाँ जी, ये देवदार के पेड़। हाँ छोटा है ना, बहुत बढ़ता है ना। हाँ जी, आगे नहीं जाएंगे सर, बड़े बड़े आगे मिलेंगे। हाँ जी, वाह क्या वॉक है, मस्त नेचर वॉक। तो हाँ जी, अरे बाप रे, सही ना? जैसे हम पत्ती उड़ाते थे बैलों के लिए, सब के लिए ना, तो हम ऐसे उतर जाते नीचे। अरे बाप रे, पहाड़ी इलाके में जैसे यहाँ से, तो ऐसे उतर। जैसे बकरी वगैरह होगी तो हम ऐसे रखेंगे जंगल में, चलो भाई आप चलो भाई घास खा लो। देखो कैसे जाते हैं लोग, हमें लगता है कि मतलब हम लोग वो स्टेपर्स वगैरह कर रहे हैं जिम में, तो हम बहुत कसरत कर रहे हैं, ये होती है असली कसरत। ऐसे होती है बॉक, ऐसे ही ऐसे लोग चलो यहाँ के नीचे के लोग पता नहीं कहाँ जा रहे पहाड़ी इलाके में। जैसे नीचे लोग खुश हो जाते भैया हमने पहाड़ी के इलाके में जाना, कैसे होना। हम ऐसे जाते जैसे यहाँ से हम आसानी से चढ़ जाएंगे। वही तो अटक जाएंगे, अरे हम तो गिर ही जाएंगे, चले जाएंगे नीचे। जैसे पेड़ में जाना तो हम पेड़ में चढ़ जाएंगे। अरे बाप रे, हाँ ये पेड़ पे चढ़ते है? हाँ जी। अरे बाप रे, जैसे ये जैसे तब जैसे शादी शुदी होती तो हमारे साइड तो ये गेट लगती इसके। अच्छा, ओके। ये तोड़ के फिर अब? हाँ तोड़ के, ओके। गेट के लिए, नाइस जी।
गोल्डन लेकिन कलर सिर्फ व्हाइट है। हस्की तो भी है वैसे। हाँ। आप कहाँ से आए? हमारा घर है बगीचा। अच्छा अच्छा ओके। तो बट हाँ जी नया गांव बोलते हैं। अच्छा घर है ना ये बगीचा में हमारा। अच्छे भी आए थे भी हम। बहुत आते हैं। एक तो नहीं काटेंगे? नहीं 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 काटेंगे, नहीं काटेंगे। आज हम चिट्टू था हम। स्नोक्लैड होमस्टे है ना, वहाँ रहते हैं हम लोग। वो मेरा है। अच्छा अच्छा। वाह यार ये तुझे आईला पाठवलंच पाहिजे फोटो। नहीं एक क्लोजअप पण काढ पिंक वाला पण आहे। कुठे ओ वाह सो ब्यूटीफुल ना हे बघ। हाँ हम नहीं आ रहे आपके घर। हम जा रहे हैं। ये हमारी ने ओ वाह। अच्छा आलू ये आलू है। ये आलू है सारे। अच्छा ये सारी आलू की खेती ऑर्गेनिक होती है यहाँ पर। हाँ वो तो है ही। हमारा डिनर सर्व हो गया है तो हमने दोपहर को बहुत खा लिया था तो हमने बस सिंपल ऑर्डर किया है। अभी ये है कढ़ाई पनीर और रोटी और सलाद सर्व किया है इसके साथ। अभी मस्त खाते हैं और अच्छी नींद निकालता है बिकॉज कल बहुत लंबी जर्नी है, ऑलमोस्ट 8-9 घंटे की जर्नी है तो जल्दी निकलेंगे यहाँ से। बेस्ट पार्ट है कि इन लोग ने हमें गरम गरम रोटी से की है, ऐसे नहीं कि बना के रखा था। और ये पिकल भी बहुत बढ़िया है, कौन सा है नींबू का अचार अमृत सुखदेव कुछ नाम लिखा है बट बहुत यम्मी है, खाना बहुत टेस्टी है बहुत। सुबह का तो धाम ही था तो पूरा फर्स्ट टाइम हमने धाम खाया और वो इतना टेस्टी था। और ये भी खाना बहुत बढ़िया है, यहाँ का खाना मस्ट 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 ट्राई। आप यहाँ हो गए तो खाना डेफिनेटली यही खा के। तो हम अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। हमारा स्टे बहुत बढ़िया रहा और कैंप नोमैड हम डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। व्यूज़ के लिए भी बहुत बढ़िया और सबसे मेजर तो खाना यहाँ का आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। लंच जैसे यहाँ पे 10 मिनट वॉकिंग ही है अगर आपको मार्केट में खाना है, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ पे आके खाना खाइए बिकॉज इनका जो स्वाद है खाने का वो बहुत बढ़िया, एकदम एकदम अल्टीमेट खाना बनाते हैं। यहाँ का टैरिफ मैं बताऊँ तो हमने पे किया था 3,500 रुपीज़ जो इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट था। और मील्स के जैसे उनके इनका कैफ़े है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, चाय कॉफ़ी स्नैक्स या जो भी है। तो कैफ़े वैसे ओपन फॉर ऑल है तो कोई भी अगर आप कहीं और भी रह रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यहाँ आइए, व्यूज़ देखिए और अच्छा अच्छा खाना खाइए। तो सी यू कपिल, तो सी यू ऑल। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन।